थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। 72% है किसका, 25 स्टूडेंट्स हमें कितना, 25 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 25, उसके 72% जो हैं मैथमेटिक्स वो पसंद करते हैं, तो कितने नंबर ऑफ, यानी हाउ मैनीज आर नॉट इन गुड इन मैथमेटिक्स, तो कितने नहीं हैं। 72% तो हैं लेकिन कितने नहीं हैं ये हमें बताना है, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें क्या दे रखा था, 25 स्टूडेंट्स जो हैं टोटल है, मतलब 25 स्टूडेंट्स का 72% कितना है मैथमेटिक्स में गुड है, राइट। तो हमें इतना पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 25, राइट। अब हमें क्या करना है, 25 स्टूडेंट्स का 72% निकालते हैं जो कि किस में गुड थे, मैथमेटिक्स में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गुड इन मैथमेटिक्स, गुड इन मैथमेटिक्स, तो वो हमें निकालने के बाद हम उसमें से माइनस करके हमें नॉट गुड पता चल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं इसके, नंबर ऑफ स्टूडेंट हम किसके निकाल रहे हैं, गुड स्टूडेंट्स के निकाल रहे हैं जो कि मैथमेटिक्स में गुड है, वो कितना परसेंट हमें पता है, 72% ऑफ 25, यानी कि 72% का मतलब क्या हुआ, 72 डिवाइडेड बाय 100, राइट, मल्टीप्लाई किसका होगा 25, क्योंकि 25 स्टूडेंट का 72% बोल रहा है वो, तो कितना होगा 25, राइट। अब 25 से 100 क्या हुआ, तो कितना आया, 4 आया, 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 से 2, फिर कितना हुआ, 2 3 6 है 1, और ये 2 से इसे डिवाइड किया तो कितना आएगा 80, राइट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए जो कि मैथ में गुड है, वो कितना है, 18 स्टूडेंट्स गुड हैं किस में, मैथमेटिक्स में, और नॉट गुड कैसे पता चलेगा, 25 टोटल थे, राइट। मैं इसे रेज करती हूँ, एक मिनट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिखती हूँ, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, वो कितने होंगे टोटल में से, हम गुड वाले स्टूडेंट्स को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नॉट गुड कितने थे, टोटल कितने हैं 25, 25 माइनस 18 करोगे तो कितना आएगा, ये 25 माइनस 18 यानी कि 7, 7 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि गुड नहीं है किस में, मैथमेटिक्स में गुड नहीं है, ओके। अगर हम बात करें इसमें परसेंटेज निकालने की, क्योंकि हमें कितना पता है कि 72% तो हैं हमारे जो कि मैथमेटिक्स में गुड थे, जो कि गुड नहीं हैं उनका परसेंटेज कितना होगा वो हम क्या करेंगे, हमें पता होता है कि जो टोटल परसेंटेज होती है, टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100 होता है, राइट। तो 100 में से 72% तो गुड है, राइट। मैं इसका नेक्स्ट वाला पूछ लेती हूँ, 100% क्या होता है, पूरा का पूरा हमारे टोटल कितने हैं 25 स्टूडेंट्स से, राइट। तो उसमें से 72% कितने निकाल दिया हमने, गुड वाले निकाल दिए, 72% को निकाल दिया, ये कितने थे, ये तो टोटल हो गया, राइट। ये 72% कितना है जो कि गुड है मैथमेटिक्स में, गुड इन मैथमेटिक्स, राइट। और जो नॉट गुड आएगा वो कितना आएगा, 28, राइट, नॉट गुड, ये किस फॉर्म में आएगा, परसेंटेज की फॉर्म में है, क्योंकि हमने क्या किया, 100 को लेट किया कि टोटल परसेंटेज कितने होता है, 100 होता है, 100 में से 72 जो होते हैं गुड मैथमेटिक्स में थे, अभी हमने क्वेश्चन में देखा था, और जो नॉट गुड है वो कितने हो जाएंगे फिर, 28%। अगर अब क्वेश्चन में जो जिस तरीके से भी पूछ रहा हो वो हम उसी हिसाब से इसका आंसर दे देंगे, चाहे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में पूछ रहा होगा तो 7 स्टूडेंट्स हैं जो कि गुड नहीं है, अगर परसेंटेज में पूछ रहा है तो वो 28% हैं जो कि गुड नहीं है मैथमेटिक्स में, ओके। इन शॉर्ट हमने क्या क्या किया इसमें, हमें दे रखे थे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे थे वो कितने थे, 25 स्टूडेंट्स, अब उस 25 स्टूडेंट्स में से 72% जो थे वो गुड थे, हमने क्या किया, 72% का मतलब होता है 72 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 25 किया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 25,
इन दोनों को काटापीटी मचाई, तो 18 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि गुड थे मैथमेटिक्स में। तो नॉट गुड कैसे निकलेंगे, टोटल में से गुड वाले को माइनस कर दोगे तो नॉट गुड निकल जाएंगे, और नॉट गुड का मतलब कितना हुआ, वो कितने स्टूडेंट हुए, 7, राइट। 7 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि गुड नहीं थे किसमें, मैथमेटिक्स में, ओके। अगर हम परसेंटेज की वे में बात करें कि टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100% होता है, राइट। आपको सभी को पता है क्योंकि हम 100 में से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 को ही डिवाइड करते हैं, तो 100 टोटल परसेंटेज हुआ, उसमें से 72% क्या था जो कि गुड थे मैथमेटिक्स में से, उन दोनों में से उसको माइनस कर देंगे तो वो कितना आएगा, 28%। 28% ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि गुड नहीं थे मैथमेटिक्स में, लेकिन हर एक बच्चा गुड होता है मैथमेटिक्स में, ऐसा नहीं है कि कोई भी गुड नहीं होता है, ओके। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशंस पे कि आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस।